अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको सबसे पहले टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन लगाना सीखना होगा, और अपने हर वीडियो को कैसे सर्च रैंक में रैंक कराया जाए वो भी सीखना होगा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन लगाना सिखाऊंगा, और अपने हर वीडियो को कैसे सर्च रैंक में लाते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। सो गाइस, मैं हूँ अर्जुन और आप देख रहे हैं फन एंड टेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब ऐप में चले जाना है। यूट्यूब ऐप में जाने के बाद आप सर्च बार में सर्च कीजिए जिस विषय में आप वीडियो बना रहे हैं, उस विषय में आपको सर्च करना होगा। तो यहाँ से हम टैग्स लेंगे, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। गाइस, आपको यूट्यूब सर्च बार से ही टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर सर्च किया यूट्यूब चैनल इंट्रो कैसे बनाएं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे सर्चेबल टॉपिक हैं, यानी कि इनको लोग सर्च करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो गाइस, अब हमें इन सब को कॉपी कर लेना होगा। यूट्यूब सर्च बार कॉपी करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल कॉपी ऐप चालू कर लिया है, और यहाँ पर जो जो हमारे वीडियो से रिलेटिव हैं उन टैग्स को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, तो उन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर है यूट्यूब चैनल इंट्रो कैसे बनाएं, यूट्यूब चैनल का इंट्रो कैसे बनाते हैं, तो ये हमारा वीडियो का रिलेटिव है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लेंगे हम। सो गाइस, अब आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है नोटपैड। नोटपैड आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आसानी से प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्रिएट नोट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर टाइटल में आप लिख दीजिए, तो हम इंट्रो पर वीडियो बना रहे, तो हम यहाँ पर इंट्रो लिख देते हैं टाइटल में। अब यहाँ पर थोड़ी देर दबा रखिए और पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर पेस्ट होने के बाद फिर से आप यूट्यूब सर्च बार में चले जाइए, और किसी दूसरी तरीके से आप सर्च कीजिए, जैसे कि इंट्रो कैसे बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे आ चुके हैं। यहाँ पर भी इसको भी यूनिवर्सल कॉपी से कॉपी कर लेंगे। सो गाइस, ज़्यादा कुछ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमने 5 कर लिए, तो यहाँ पर 3-4 कर लेते हैं। इतना कॉपी करने के बाद अब हम उस पेज पे फिर से चले जाएंगे, यानी कि नोट पैड पे, जहाँ पर हमने कॉपी करके पेस्ट किया हुआ था। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। इसके नीचे हमारे टैग्स कॉपी हो चुके हैं, अब हमें इन सब को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे, और यहाँ पर 3 डॉट्स भी हो सकती है, यहाँ पर तीर का आइकन भी हो सकता है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन को आपको खाली रखना है, जैसे मैंने यहाँ अनटिक करके रखा है, तो आपको भी यहाँ पर अनटिक करके रख देना है और बैक आ जाना है। अब आपको यूट्यूब पर जाने के बाद अपने चैनल से लॉग इन हो जाना है, और यहाँ पर आपको तीर का एक आइकॉन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब आपको यहाँ पर पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अनलिस्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो तीर का आइकॉन दिख रहा है उस पर आप एक बार टच कीजिए। यहाँ पर आपको फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो जहाँ पर है आप उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए, तो हमारा ये वाला है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर टाइटल के ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर इस टाइटल को हम कट कर देंगे। सो गाइज, अब हम डिस्क्रिप्शन में आएंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले से ही काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है। मैंने अपलोड डिफ़ॉल्ट की सेटिंग कर रखी है, तो इस सेटिंग के बारे में मैं आपको बाद में वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। सो गाइज, अब हम जो कॉपी करके रखे हैं यहाँ पर पेस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में वो पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं, अपने सारी लिखावट को एक साथ मिला देते हैं। अब हमें यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस दे देना है। अब हमें फिर से अपने नोटपैड में जाना होगा। नोटपैड पे जाने के बाद अब हमें अपना टाइटल सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि हमारा हम ये वाला टाइटल पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इंट्रो कैसे बनाएं, इसको हम कॉपी करेंगे और अपने क्रोम ब्राउज़र पर आएंगे, और यहाँ पर टाइटल में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर स्पेस देंगे। और आपको टाइटल को हमेशा तोड़ के लिखना होता है, इसलिए स्पेस देने के बाद वहाँ पर 2 लकीरें डाल दें, जिससे कि आपका टाइटल 2 हिस्सों में बट जाए। और फिर से हम अपने नोटपैड में वापस आएंगे। अब हम यहाँ पर एक और टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, उसे कॉपी करेंगे और अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे टाइटल की जगह। अब फिर से स्पेस देंगे और 2 लकीरें यहाँ पर फिर से डाल देंगे,
अब हम तीसरा टाइटल ले लेते हैं। अगर टाइटल छोटा हो तो आप तीन टाइटल लगा सकते हैं। तो हम यहाँ तीसरा टाइटल कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आपको पूरा टाइटल कॉपी कर लेना है और अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर की तरफ जो जगह हमने खाली रखी है वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। गाइस आपको टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन ऐसे लगाना है कि सब कुछ मिलना चाहिए एक दूसरे से। अब हम फिर से नोटपैड में आएंगे और इन सब के पीछे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने से ये सब टैग्स बन जाएंगे। अब हम इन सब को सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे और क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे और टैग्स की जगह पर हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे इन सब को। तो हमारा टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सेट हो चुका है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमने सब कुछ सही किया या नहीं। अब यहाँ पर कस्टम थंबनेल पे क्लिक करेंगे और फाइल्स के ऑप्शन में चले जाएंगे। फाइल्स के ऑप्शन में जाने के बाद हम वो थंबनेल सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने बनाकर पहले से रखा है अपने वीडियो के लिए। तो हमारा थंबनेल भी यहाँ पर आ चुका है। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इसने लिखा क्या है, लेकिन मैंने पहले से ही अपलोड डिफ़ॉल्ट की सेटिंग कर रखी है, यानी कि उसमें काफ़ी कुछ लिख रखा है। ये देखिए, अपलोड डिफ़ॉल्ट एक ऐसी सेटिंग है जो एक बार आपने लगा दी तो जो भी आप लिख रखेंगे सेटिंग में तो वो लिखावट हमेशा ही शो करेगी। आप जब भी वीडियो न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वो लिखावट कहीं नहीं जाएगी, वो लिखावट वहीं पर रहेगी और आपको आसानी होगी। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो अपलोड करना सिखा रहा हूँ इससे आपका वीडियो सर्च करने पे पहले ही ज़रूर आएगा। अपलोड करते ही आपका वीडियो ज़रूर सर्च रैंक में जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। इस वीडियो को पूरा अपलोड होने तक आप बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस अब हमारा वीडियो पूरी तरीके से अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर जूम करेंगे और यहाँ पर अनलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पब्लिक के ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर जो पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा वीडियो पब्लिश हो चुका है। अब आप 5-10 मिनट वेट कर लेंगे और मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। सो गाइस अब हम YouTube ऐप में आएंगे और सर्च बार में सर्च कर लेंगे अपना टॉपिक, जिस टॉपिक पे हमने अभी वीडियो बनाया है वो टॉपिक हम सर्च कर लेते हैं। तो हमने YouTube चैनल इंट्रो कैसे बनाए ये वीडियो बनाया था तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। ये देखिए गाइस हमारा वीडियो यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि ये रैंक कर रहा है। ये देखिए 11 मिनट पहले ही हमने ये वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पर दिख भी रहा है। सो गाइस अब हम दूसरी तरीके से इसको सर्च करेंगे, जैसे कि हमने हिंदी में भी लिखा था टाइटल पे नाम, तो यहाँ पर इंट्रो कैसे बनाए इसे भी हम सर्च कर लेते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पर भी ये 11 मिनट में हमारा आ रहा है, हमारे चैनल का नाम भी आ रहा है। सो गाइस आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि दो हिस्सों में टाइटल को लिखने का क्या फ़ायदा होता है। अगर एक तरीके से आपका वीडियो सर्च में ना आए तो दूसरी तरीके से सर्च करेंगे तो ज़रूर आएगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे।